हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील एंड वेलकम बैक टू रिव्यू टेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा canva.com canva.com एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइनिंग वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अगर पोस्ट डिज़ाइन करना है, बैनर डिज़ाइन करना है, यूट्यूब के लिए थंबनेल डिज़ाइन करना है, तो बहुत सारा डिज़ाइनिंग का काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या फिर सीखना चाहते हैं थोड़ा बहुत डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर में अपना canva.com टाइप करेंगे, canva.com। यहाँ पे आप जाएंगे लॉग इन विद गूगल से हम लॉग इन करेंगे, या फिर आप फेसबुक से कर सकते हैं। तो मैं अपना ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। सो कैनवा, ये है इसका इंटरफेस, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल में आप जाएंगे अकाउंट सेटिंग, रिफर फ्रेंड, गेट हेल्प, साइन आउट। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में टैब्स मिलेंगे आपको, होम का, ऑल योर डिज़ाइन टेम्पलेट्स, फोटोज, ऐप, ब्रांडेड किट, डिज़ाइन स्कोर। सो ये मेन आपका जो काम है यहाँ से शुरू होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कितना सारा डिज़ाइन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। फेसबुक कवर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक एड। आप स्वाइप करते रहिए, बहुत सारा मिल जाएगा। इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, लेटर हेड, वीडियो। सो द गुड थिंग अबाउट दिस इज, मतलब आपको कोई भी पिक्चर का साइज सेटिंग नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी सेट रहता है। जैसे आपको लोगो डिज़ाइन करना है, ये 500x500 का है। जैसे फेसबुक का पोस्ट है तो रिकमेंडेड जो पोस्ट का साइज रहता है उससे बढ़िया ही यहाँ पे साइज रहेगा। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एवरीथिंग इज लाइक एज पर द रूल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। व्हाट्सएप का स्टोरी जिस रेजोल्यूशन में रहना चाहिए, 1080x1920। इंस्टाग्राम का पोस्ट 1:1 का पोस्ट रहता है, इंस्टाग्राम में स्क्वायर पोस्ट रहता है। सो उस हिसाब से आपको सारा यहाँ पर डिजाइंस मिलेगा। इसके बाद आप ये नीचे देखेंगे होम में, तो ये आपका होम पेज हो गया। अब ऑल योर डिज़ाइन में जब जाएंगे तो हम लोग का पहले का जो डिज़ाइन किया होगा वो सारा डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलता है। टेम्पलेट्स में आप जाएंगे, टेम्पलेट्स में आप डिस्कवर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 50,000+ टेम्पलेट्स अवेलेबल है कैनवा पे। सो हम लोग शुरू करते हैं पहला डिज़ाइनिंग पोर्शन से। सो मैं आपको एक सिंपल सा लोगो डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। हम लोग चलेंगे लोगो डिज़ाइन पे। लोगो पे यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाएगा। तो हम लोग टेम्पलेट्स एक चूज करेंगे, किस टाइप का आपको लोगो बनाना है। फॉर एग्जांपल आपका बी से रिलेटेड कोई ब्रांड है, लेट्स से आपका ब्रांड का नाम है बी हाइप टी शर्ट। अब टी शर्ट एक ब्रांड है आपका। सो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डिज़ाइन करते हैं एक लोगो। सो जो भी आपको टेम्पलेट यूज़ करना है, यहाँ पे यूज दिस टेम्पलेट में जाएंगे तो न्यू टैब में वो वाला खुल जाएगा आपका। ये है आपका डिज़ाइनिंग का जो इंटरफेस है यहाँ पे है, आप देख लीजिए। सब यहाँ पे देखेंगे आपका टेम्पलेट सारा मिलेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे टेम्पलेट्स आप चेंज कर सकते हैं। ये है आपका वाइट बोर्ड, यहाँ पे आपका जो भी डिज़ाइनिंग का वर्क होगा यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो प्लस साइन दिया गया है, यहाँ प्लस का साइन मतलब है ऐड न्यू पेज। आप एक नया पेज ऐड कर सकते हैं इसके नीचे। यहाँ पे जो है ये डिलीट पेज है, ये पेज डिलीट हो जाएगा अगर यहाँ डिलीट करेंगे। कॉपी का मतलब होता है इसमें जो भी कंटेंट है ये डबल हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, दे सकते हैं ऐसे। उसके बाद आपका यहाँ पे इसको मूव डाउन या फिर मूव अप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन के लिए आप नोट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मेंशन रहता है पेज का नाम, पेज वन, पेज टू, कितना सारा पेज आप अनलिमिटेड पेज इसमें डाल सकते हैं एक वर्कशीट में। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे बहुत सारा टैब है, जहाँ पे जैसे कि फ़ोटोज़ है। फोटोज़ वाले टैब में आपको स्टॉक फ्री फोटोज़ मिल जाएंगे, जो कि आपको पिक्सल्स में और या फिर अनस्प्लैश में मिलता है, सारा इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फोटोज़ के ऊपर अगर डॉलर का साइन मेंशन हुआ है तो वो पेड रहता है, और यहाँ पे अगर फ्री मेंशन है तो हम लोग इजीली फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारा आपको जो है मटेरियल आपको फ्री में ही मिल जाएगा, कुछ आपको प्रो में दिखाई देगा।
इसके बाद एलिमेंट्स में देखेंगे, एलिमेंट्स में जैसे हम लोग इमोजीज यूज करते हैं, आइकॉन्स यूज करते हैं, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा एलिमेंट्स में। आप देख सकते हैं जैसे कि फीचर्ड हो गया, कोरोना वायरस का इमोजीज भी आ गया है, या फिर एलिमेंट्स आ गया है यहाँ पे, शेप्स, फ्रेम्स, स्टिकर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में है कि आपका डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट फॉर्मेट है, डिज़ाइनिंग वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है, बहुत सारे डिज़ाइन है जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वीडियोस में जो कि फ्री स्टॉक वीडियोस है वो आप अगर यूज करना चाहते हैं, सो कैनवा में आप वीडियो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और फोटो भी एडिट कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे जैसे इसके लिए इसका बैकग्राउंड अभी वाइट है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड हम लोग बदल सकते हैं, बस आपको क्लिक करना है, बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अपलोड्स में आपको अगर कोई फोटो या फिर कोई इमेज वगैरह अपलोड करना है तो अपलोड में जाके आप अपलोड एन इमेज कर सकते हैं। फोल्डर्स हो गया, आपको यहाँ जो भी आप बनाते हैं डिज़ाइन वगैरह उसको आप एक फोल्डर में सेट कर सकते हैं, उसको आप एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो हम इसको पहले डिज़ाइन करते हैं हम लोग। चलिए फॉर एग्जांपल हमारा टी शर्ट का नाम है बी हाइव टी शर्ट का ब्रांड है बी हाइव टी शर्ट। सो यहाँ पे आप टैगलाइन भी आप यूज कर सकते हैं। सो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, देखिए कोई भी ये डिज़ाइन के ऊपर अगर वाटरमार्क है मतलब वो पेड रहता है, इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आप अगर डाउनलोड में जाएंगे यहाँ पे आपको एक पेमेंट के लिए बोलेगा जो कि है $1 का। सो ये आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कैनवा का लाइसेंस वाला है। सो हम लोग दूसरा वाला डिज़ाइन लेते हैं, एलिमेंट में चलते हैं, देखते हैं बी के लिए कुछ है क्या। तब देख बहुत सारा यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिल जाएगा ये जो कि आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। ये भी देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है। सो हम लोग इसको लेते हैं हमारा लोगो बनाने के लिए, और हम लोग टाइटल्स के लिए टेक्स्ट में जाएंगे और एक अच्छा सा जैसे इसको ले सकते हैं हम लोग। तो ये तो था बहुत सिंपल सा, आप डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो था लोगों के बारे में, यहाँ पे टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं आपको लोगों के लिए, बहुत सारा सिंपल टेम्पलेट्स है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं होम में, आपको कुछ और डिज़ाइन दिखाते हैं। कार्ड्स डिज़ाइन, आप इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बहुत अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे। लॉट ऑफ डिज़ाइंस आर अवेलेबल, जैसे बर्थडे का कार्ड बनाना है आपको तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप। हाँ ये वाटर वाला मार्क वाला नहीं है। सो इस पर हम कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं चलिए सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कलर चेंज करना है, यहाँ पे जब आप कोई भी एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, फॉर एग्जांपल ये जो सिलेक्ट हुआ है आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है हैप्पी बर्थडे वाला, तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको कलर साइज और टेक्स्ट का जो है फॉन्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप, इसके बाद कलर के लिए आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये ए वाला जो कलर का बटन है। और आपको अगर सिंगल आइकॉन वगैरह एलिमेंट्स वगैरह पकड़ना है तो एक एलिमेंट्स का भी आप बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये दो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है ये वाला। तो फॉर एग्जांपल ये जो फेस हम सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कलर है, जैसे ब्लू है, रेड है, ये लाइट कलर वाला है, तो ये सारा कलर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लू को मेरे को बनाना है ऑरेंज बनाना है तो ये ऑरेंज हो गया, और रेड को मान लीजिए हमको और ब्लैक बनाना है, रेड ब्लैक हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। सो आप ऐसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ। ये सारा एक एक छोटा सा ये सारा एलिमेंट्स है, देखिए यहाँ पर आपको घूम सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल चाहिए तो आप ट्रायंगल यहाँ पर टाइप कर दीजिए। देखिए ये सब एलिमेंट ही है,
जो कि यहाँ यूज किया गया है, इसको छोटा बड़ा कर देंगे। तो ये अगर ये फेस वाला चाहिए आपको तो यहाँ पर बस फेस टाइप कर दीजिए, फेस वाला एलिमेंट सारा आ जाएगा। देखिए स्माइली भी है। और आपको अगर बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज करना है तो बस बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप कलर जाइए, कलर से यहाँ पे बैकग्राउंड भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे किया जाए, डिज़ाइन हो गया आपका कंप्लीट, तो इसको अब डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे एक ऊपर में डाउनलोड का बटन है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा आपको फाइल टाइप सिलेक्ट करना है। फाइल टाइप में आपको ऑप्शन मिलता है PNG, JPG, PDF, PDF प्रिंट, वीडियो, GIF वगैरह का। तो जो PNG फॉर्मेट होता है कैनवा का, यही एक हाई क्वालिटी में देता है, और JPG में आपका साइज जो है बहुत छोटा हो जाता है। सो हम सजेस्ट ऑलवेज करेंगे आपको PNG में आपको डाउनलोड कर लीजिए। अगर प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए तो PDF में प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप PNG ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे PNG सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वंस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका 2 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, ये देखिए। सो इस पर कस्टमाइज करना, डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है कैनवा पे। आप अगर और कुछ डिज़ाइन वगैरह सीखना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पर सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए ट्यूटोरियल बना दूंगा। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म को लेके क्या क्या आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं बहुत सारा सोर्स मैं बताने वाला हूँ इन फ्यूचर वीडियोस में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट यही सिंपल सा वेबसाइट है, आप एक्सप्लोर कीजिए इसको। अगर कुछ समझ में ना आए, अगर कुछ और जानना है इसके बारे में, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे या फिर आपको कमेंट पे ही रिप्लाई दे देंगे।